नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 हेल्थ गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। आज मदर्स डे के खास मौके पर हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, जानेंगे कि कोरोना के खतरे को देखते हुए महिलाओं को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, क्योंकि जब घर की महिला स्वस्थ रहेगी तभी पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज हेल्थ गुरु में हमारे साथ NHMMI हॉस्पिटल रायपुर से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेरोनिका यूएल मैम हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो में। थैंक यू। तो आज मदर्स डे है, यानी कि महिलाओं का दिन है, और कोरोना काल में जब अपनी सेहत का ख्याल रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसे में निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे अपना ख्याल रखें। तो सबसे पहले इसी से शो की शुरुआत करेंगे कि कैसे महिलाएं इस दौरान अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखें। देखिए, इस मामले में मैं ये एक चीज़ से शुरुआत करूँगी कि महिलाएं जो होती हैं वो फर्स्ट लाइन वर्कर्स होती हैं, चाहे वो घर पे हो या बाहर हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो घर में काम कर रही हो या हॉस्पिटल में काम कर रही हो। अगर देखा जाए तो आमतौर पे हॉस्पिटल में भी मोस्ट ऑफ द हेल्थ वर्कर्स जो हैं दे आर लेडीज। घर के काम का मोस्ट ऑफ द बोझ जो होता है वो एक महिला पे होता है, और जब वो एक मदर होती है तो और भी ज़्यादा वर्क प्रेशर बढ़ जाता है उनके लिए, क्योंकि एज अ मदर ना सिर्फ बच्चे बल्कि पूरी फैमिली को देखना उनका, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देम। सो अगर देखा जाए तो हर तरीके से हेल्थ अफेक्ट होती है, बिकॉज वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बढ़ जाती है, और कोरोना टाइम्स एक ऐसा टाइम है जो कि सिर्फ डिजीज यानी संक्रमण प्रक्रिया से पेंडेमिक नहीं है, पैंडेमिक इसने हाउस होल्ड को भी अफेक्ट कर दिया है। आज हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, लॉकडाउन की स्थिति में हर चीज़ बंद है। एक महिला को जो कि किसी से हेल्प मिल सकती थी, एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी कि जो सर्वेंट्स आते थे जी, घर में खाना बनाते थे, अगर कोई वर्किंग लेडी है वो बंद हो गए। अगर कोई महिला घर का काम करके काम पर जाती थी और शी वॉज बींग ड्रिवन बाई अ ड्राइवर, आज ड्राइवर्स भी बंद हैं आने, हर कोई, तो इस तरह से काम का प्रेशर डेफिनेटली एक महिला पे ज़्यादा बढ़ गया है। प्लस अगर हेल्थ केयर वर्कर्स की देखा जाए, नर्सेस को ले लीजिए, आज मोस्ट ऑफ द नर्सेस महिलाएं होती हैं, महिलाओं पे संक्रमण का खतरा बढ़ गया, क्योंकि उन नर्सेस पे संक्रमण का खतरा बढ़ गया क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में या अगर फील्ड में भी जा रही हैं, या अगर आज पुलिस डिपार्टमेंट हमारा ड्यूटी कर रहा है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट फील्ड पे है, फील्ड में जा रहे हैं, डेफिनेटली संक्रमण का खतरा उनको भी है। बिल्कुल, आम जनता तो भी है। अब देख लीजिए, जिस महिला के घर में मान लो दो बच्चे भी हैं और दो बुजुर्ग भी हैं, प्लस साथ में वो वर्किंग है, और उन बुजुर्ग को देखने के लिए अगर कोई हेल्प उनके पास था वो हेल्प बंद हो गई आना, बिकॉज लॉकडाउन के कारण नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल। तो एज सच वर्क प्रेशर बढ़ा, कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बढ़ता है इससे कि मुझे ये काम भी, घर का भी अच्छे से निपटाना है ताकि कोई अफेक्ट ना हो, बुजुर्गों की केयर अफेक्ट ना हो या बच्चों का वो अफेक्ट ना हो, प्लस बच्चे भी पूरे समय घर पे हैं। बिल्कुल। तो चाहे उनकी डिमांड हो, चाहे वर्किंग वुमन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, वर्क प्रेशर बढ़ा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा है, तो अगर स्ट्रेस बढ़ेगा जी, चाहे वो किसी भी पर्पस से हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत जरूरी है स्ट्रेस पे कंट्रोल करना। उसमें प्रेगनेंसी इटसेल्फ, अगर प्रेगनेंसी को कोरोना टाइम से हटा भी दिया जाए, मान के चलो ये प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक स्ट्रेसफुल चीज होती है कि अच्छे खासी नॉर्मल प्रेगनेंसी निकल जाए, हर कोई ये काम सोचे। बिल्कुल। और कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस एक आम दिनों में भी एक प्रेग्नेंट महिला को लेने पड़ते हैं, जैसे आयरन कैल्शियम के टैबलेट्स हो, नियमित टाइम टू टाइम खाना हो, टाइम टू टाइम रेस्ट मिल जाए, जो कि शायद अभी ना मिल पा रहा जी। प्लस प्रेग्नेंट महिला है तो टाइम टू टाइम उसको चेकअप के लिए या उससे, तो कुछ सावधानियां बरतते हुए जाना चाहिए, जिससे कि एक तो पहली बात वो संक्रमण से बचे जी, प्लस साथ में प्रेगनेंसी भी हेल्दी चले, प्लस इस तीसरे वर्क प्रेशर जो प्रेशर है कि घर का वो जो चीज है जो कि जो मदद शायद लॉकडाउन होने के कारण नहीं मिल पा रही, उस प्रेशर से भी निकलना है।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ डेफिनेटली अफेक्ट होती है। बिल्कुल, तो महिलाओं के वर्क प्रेशर पे और किस तरीके से वो अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखें, इसके बारे में लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही दर्शकों को ये भी बता दें कि हमारी फोन लाइंस ऑन है, 4008777 ये हमारा नंबर है। डॉक्टर वेरोनिका से अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं गायनेकोलॉजी से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और आपकी सभी समस्याओं का समाधान आज हेल्थ गुरु के माध्यम से हम करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम चर्चा कर ही रहे थे कि वर्क प्रेशर बढ़ा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, और कोरोना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपकी स्ट्रांग है तो कहा जा रहा है कि ये संक्रमण आपको उस तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। तो महिलाएं खास तौर पर अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए किस तरीके की चीजें करें, चाहे कोरोना टाइम्स हो या पहले भी, हमेशा ये कहा गया नियमित टाइम टू टाइम अपना नियमित संतुलित आहार लीजिए। जरूरी नहीं है कि वो बाहर का ही खाना हो जो अच्छा हो या बाहर का अच्छा हो, हम नॉर्मल जो घर में टाइमली अपना जो सुबह ब्रेकफास्ट लेना है वो टाइम पे लीजिए, लंच जैसा जो टाइम पे होता है वो लीजिए, और डिनर टाइम पे लीजिए। सबसे पहले टाइमली नियमित खाना, बिल्कुल है ना। इससे क्या होता है, बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं वो अपने आप मेटाबॉलिज्म जो भी बॉडी का होता है वो सही सुचारू रूप से चलता रहता है, जिससे बहुत सारी चीजों से नियमित जो हम व्यायाम कर रहे थे, अब तो लॉकडाउन हो गया, कई लोग जिम में जिम जाते थे, जिम्स बंद हो गए, बट नेवरदलेस घर के आसपास ही हम, आज ही हमारा जो ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी का फॉक्सी का एक वॉकेथॉन हुआ है, बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। अब वॉकेथॉन लॉकडाउन टाइम्स में कैसे हुआ, घर के आसपास ही उन्होंने आसपास ही चक्कर लगा के वॉकेथॉन कंप्लीट करी जी। तो इस तरीके से एक क्लियर कट मैसेज है कि कुछ चीजें हम घर बैठ के ही कर सकते हैं जो कि हमारी हेल्थ वैसे ही चलती रहेगी जैसे कि हमारी प्री एरा पे थी। सो संतुलित आहार, टाइमली खाना खाइए। कई लेडीज लोग हम जब भी शुरू कर, जैसे मैं जब भी अपने पेशेंट्स को मैंने एडवाइस करी है तो हमेशा ये कहा है सुबह 7 से 8 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट का मतलब ही ब्रेक योर फास्ट, सो दैट इज नाइट का जो फास्ट है उसको ब्रेक करिए और वो टाइमली ब्रेक होना चाहिए। कई लोग अपनी दिनचर्या में 11-12 बजे उनका ब्रेकफास्ट होता है, लंच 5-6 बजे होता है और डिनर रात को, दैट इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। सो मील्स स्किप ना करें, मील्स अगर हम अपने हैं तो हेल्दी। अब स्ट्रेस बढ़ा है, वर्क प्रेशर बढ़ गया, तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है कि भाई अरे अभी ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ, कल थोड़ी देर बाद खा लूंगी। चलिए मैम, चर्चा आपसे लगातार करते रहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है, संध्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है संध्या IBC 24 में, अपना सवाल पूछिएगा डॉक्टर से। जी, मैं दतिया से संध्या सोनी बोल रही हूँ। जी, सवाल, मेरा सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर इस टाइम ज्यादा लेडीजों को हो रहा है, घबराहट, पेट फूलना जैसी समस्याएं हो रही हैं, उसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए क्या किया जाए? चलिए, तो ये सवाल है उनका। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप ब्लड प्रेशर की मरीज हैं तो अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई टाइम टू टाइम नियमित खाइए। चाहे ब्लड प्रेशर कई बार चेक कराने पे नॉर्मल आता है लेकिन वो दवाई पे नॉर्मल रहता है, और जिस जो डोज अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है तो उसको नियमित अपने डॉक्टर के सुपरविजन में कंटिन्यूस लीजिए, उसमें गैप नहीं करिए या छोड़िए नहीं। कई बार महिलाओं में ये देखा गया है कि ये दवाई मिस हो गई है, सबसे कॉमनली ये देखा गया कि आज दवाई नहीं खा पाई। सेकेंडली, मैंने इससे पहले भी बता दिया है आपको, नियमित खाना टाइम टू टाइम अपना खाना टाइमली खाना खाइए, और व्यायाम, थोड़ा सा व्यायाम, अगर एक्सरसाइज कसरत नहीं कर पा रहे हैं तो घर के आसपास वॉकिंग ही कर लेंगे, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, ये भी काफ़ी है। हम नॉर्मल चीज़ों में रह के भी अपनी सेहत बना सकते हैं। वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, वज़न को कंट्रोल में रखना है, ये एक और कारण है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं कि कई महिलाएं बस बैठ बैठ के काम कंप्लीट करना है जी, है ना। तो जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, नॉट नेसेसरी। अगर आप एक्टिव हैं, आपकी एक्टिविटी भी हो रही है, बॉडी उतना चल रही है, बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इनफ। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद रजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पे, डॉक्टर से अपना सवाल पूछेगा। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी मैडम, हमारी सिस्टर है प्रेगनेंसी में, उसके पेट में दर्द उठता है। प्रेगनेंसी में पेट में दर्द उठ रहा है जी।
जी जी जी, प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ है ये जरूर बताइएगा। मैडम दूसरा मंथ चल रहा है। दूसरा मंथ चल रहा है, ऐसे में मुझे लगता है कि ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं तो क्या सीधे हॉस्पिटल जाना सही होगा इस वक्त। प्रेगनेंसी की शुरुआत पे यानी कि पहले 2 से 3 महीने में कई बार हल्का हल्का दर्द ऐसा लगता है, जैसे जिन महिलाओं को मासिक महावारी जो हमें आती है मासिक महावारी के समय में हल्का दर्द होता है, वैसा दर्द महसूस होता है जो कि कई महिलाओं में ये एक नॉर्मल लक्षण भी है अर्ली प्रेगनेंसी का, यानी शुरुआती उसके ये नॉर्मल लक्षण है। कई लोगों को छाती भारी होती है, ऐसा लगता है कि पीरियड्स आएंगे लेकिन मासिक आती नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का लक्षण भी है। अपने डॉक्टर से चेक करा लीजिए और अगर डॉक्टर ने आपको आश्वासन दिया है ठीक है तो फिर ये एक नॉर्मल प्रक्रिया का भी पार्ट हो सकता है, अदरवाइज डॉक्टर के संरक्षण में रहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि डॉक्टर से फोन पर चर्चा आप पहले कर लें और अगर जरूरत हो तो ही आप अस्पताल तक पहुंचे, क्योंकि इस वक्त पर बहुत जरूरी है एहतियात बरतना भी। ये मैसेज कोरोना टाइम्स के लिए भी है कि आप अपने डॉक्टर से पहले संपर्क कर लीजिए अगर आपको डॉक्टर ने आश्वासन दिया, क्योंकि यूजुअली आपने डॉक्टर को दिखाया होता और आपका डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री पता होती है, तो इस चीज के लिए जबरदस्ती घर से ना निकले। प्रेगनेंसी में टाइम टू टाइम ही चेकअप, कई बार अर्ली प्रेगनेंसी में जरूरी नहीं है कि हर माह चेकअप हो, जो जितना जरूरी है उतनो चीज के लिए ही डॉक्टर आपको अस्पताल बुलाएगा, और तभी तो आप अपने डॉक्टर के रेगुलर परामर्श में रहिए, कंसल्ट में रहिए। जबरदस्ती परेशान होके कि हमारा चेकअप नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा ये टेस्ट बचा है, आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो आपको सिर्फ जिस समय रिक्वायर्ड है उसी समय आपको बुलाएंगे, स्पेशली आज के हालात देखते हुए। बिल्कुल, चलिए इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही है, हितेश्वरी आपका बहुत बहुत स्वागत है RBC 24 पर, अपना सवाल पूछेगा। हेलो जी हितेश्वरी, सवाल पूछेगा। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि मेरा 6 मंथ स्टार्ट है और जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जैसे फ्रूट्स वगैरह कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो इस टाइम पे हम अपना ख्याल कैसे रख सके, जैसे की और 6 मंथ में जैसे सोनोग्राफी करवाना पड़ता है तो क्या वो नीड है, क्या जरूरी है क्या करवाना? हितेश्वरी जी, 5वें महीने की एक सोनोग्राफी होती है नॉर्मली स्कैन। जब कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा था, क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट का एक अनॉर्मली स्कैन करते समय टाइम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बीच में व्यतीत होता था, इसलिए कुछ समय के लिए उसे होल्ड लगा दिया गया था, लेकिन अभी हर जगह सोनोग्राफीज हो रही हैं। अगर आपका 6 मंथ है और आपकी 5वें महीने वाली अनॉर्मली स्कैन और जो उस समय के ब्लड टेस्ट, टेटनस का टीकाकरण, अगर ये सब हो गया है और आप रेगुलर आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स पे हैं तो आप वही चीज़ें अभी कंटिन्यू कर सकती हैं। चलिए, तो आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे मैम, यहाँ पर प्रेगनेंसी के बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे और इसके साथ साथ गायनेक क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो भी सॉल्व लगातार करते रहेंगे। आज हेल्थ गुरु में हमारे साथ NHMMI हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेरोनिका यूएल हैं और चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, अब्दुल शरीफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है RBC 24 में, अपना सवाल पूछेगा डॉक्टर से। जी मैडम, हम ये पूछना चाह रहे हैं, हमारी वाइफ है, उनकी डिप्रेशन की दवा चलती है और वो कुछ काम नहीं कर पाती है और लॉकडाउन की वजह से दवा भी नहीं आ पा रही है और वो परेशानी हो रही है। डिप्रेशन की दवाई चलती है तो अभी रेगुलरली वो ले रही है दवाई, ये दवाइयाँ नहीं चल रही हैं? मैडम दवा क्या है, खत्म हो गई थी तो दवा आ नहीं पाई है, जा भी नहीं पा रहे थे खाने, दिक्कत हो रही है तो खड़ी रहती है, काम भी नहीं कर पाती है। अब्दुल शरीफ जी, वो कितने महीने की प्रेगनेंसी है उनको? नींद भी नहीं आती है मैडम। उनकी प्रेगनेंसी है या इन जनरल आप उनकी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, हेल्थ के बारे में, डिप्रेशन। अच्छा, उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की दवाइयां उन तक नहीं पहुंच पाई है। एक्चुअली डिप्रेशन की दवाइयों के बारे में तो आपको इसको जो जिनसे आपके साइकेट्रिस्ट से इलाज चल रहा है आपको उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। एक महिला के स्वास्थ्य की जहाँ तक की बात आती है उनके स्वास्थ्य की, डिप्रेशन की दवाइयों से कई बार हल्की नींद जैसा लगता है, कमजोरी वैसे भी लगती है एक महिला को। डिप्रेशन की दवाई आमतौर पे बंद नहीं होनी चाहिए, जो दवाई चल रही है अगर लॉकडाउन पीरियड में नहीं मिल रही है, मोस्ट ऑफ द मेडिसिंस जो कि डिप्रेशन की या साइकेट्रिक मेडिसिंस जो चलती हैं प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं, सो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के ही वो अवेलेबल हो पाती हैं। ये जो एक जनरल नॉलेज है मुझे साइकेट्रिक मेडिसिंस के बारे में, ये मैंने बताया है।
मेडिसिंस के बारे में तो मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जो आम इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉलो में, आपने इस चर्चा में सुना ही होगा कि जो आम वो हैं, नियमित खाना खाएं, अपना टाइम पे आहार लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज या घूमने अपने घर के आसपास ही थोड़ा दो चार चक्कर लगा सकती हैं, बहुत दूर तो जाना अभी मना है, दैट इज ऑल। तो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज के साथ और उसके साथ साथ अगर परिवार पूरी तरीके से ध्यान रखे, पॉजिटिविटी उनके आसपास रहे, पॉजिटिव वाइब्स रहे, तो मुझे लगता है कि बिन दवाइयों के भी वो काफी बेहतर महसूस करेंगे। ज्यादातर डिप्रेशन के जो पेशेंट्स रहते हैं वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, वो प्राय अपने आप को एक कमरे में बंद कर, तो इसको परिवार को हमको उनको हेल्प करना है, एज अ फैमिली आपको हेल्प करना पड़ेगा कि चलो आओ घूम के आते हैं, या उनसे बात करिए, उनका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करिए, ये सब चीजें आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, स्पेशली इस दौरान जबकि आसपास हर चीज बंद है, बाहर भी निकलेंगी तो शायद उन्हें कुछ चीज बहलाने के लिए ना मिले, सो इसमें परिवार को उनकी मदद करनी है। बिल्कुल, एक अहम मुद्दे पे अब डिस्कशन करेंगे मैम, प्रेगनेंसी पे हमने चर्चाएं की, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, इस वक्त पे जब एक आम इंसान को अपना इतना ख्याल रखना पड़ रहा है, ऐसे में जो न्यूबॉर्न बेबीज है वो तो और डेलिकेट होते हैं, उनका किस तरीके से ख्याल जो मदर्स हैं वो रखें? सबसे पहले मैं शुरू करूंगी हॉस्पिटल से ही जी। अब डिलीवरी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की हॉस्पिटल में हुई है या किसी पीएचसी में हुई है, तो सबसे पहले आम माताएं जो हम देख रहे हैं अभी, परिवार जो परेशान हो रहा है वो वैक्सीनेशन के लिए, प्राय जहां डिलीवरी हो रही है अगर अच्छे संस्था में हुआ है ऑपरेशन, सॉरी चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे भी डिलीवरी हुई हो, जो जन्म पे लगने वाले टीके वो तुरंत लग जा रहे हैं, नहीं लग पा रहे हैं तो उसके लिए भी पालक जो है वो बहुत परेशान हो रहे हैं जी, है ना। तो उसके लिए ये है कि परेशान ना होए, हर चीज़ की मेडिकल फील्ड में एक समय सीमा होती है, एक समय सीमा के तहत लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं लगा है, एक समय सीमा के तहत वो लगा के अपने पीडियाट्रिशियन से, जो बच्चे वाले डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट करके कि हम कब तक लगवा सकते हैं, कंसल्ट करके आप वेट भी कर सकते हैं अगर नहीं लगा है। सेम चीज़ अगर डेढ़ से दो से तीन महीने के भी बच्चे हैं, पालक इसीलिए बहुत परेशान हो रहे हैं जी। सेकेंडली, न्यू बॉर्न बच्चा है, अब जब घर गया है, फीडिंग के दौरान हर बार अपना हाथ धोना है, ये नॉर्मल यही चीज आपको बताई गई है, कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोइए। उसके साथ ही जो ब्रेस्ट और निपल्स हैं वो एरिया भी क्लीन करिए, फिर बेबी को फीड कराइए, जो कि माताएं स्तनपान करा रही हैं जी, वो उस एरिया को क्लीन करें, क्लीन करके ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, और फीड कराने के तुरंत बाद फिर से अपना वो एरिया को क्लीन करके ही अपने गार्मेंट्स पहनने और बेबी को वो करना। बेबी को बहुत ज्यादा बाहर के लोग, अगर कोई आपके घर में विजिट कर रहा है, या मान लो कोई सर्वेंट आ गया, या मान लो कोई और किसी कारण से आ गया है, तो बहुत ज्यादा उनको एक्सपोज नहीं करिए। बिल्कुल सही। अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आ गए हैं, क्योंकि अभी कई जगहों पे छूट मिल गई है कुछ घंटों की, तो सोशल डिस्टेंसिंग घर पर भी मेंटेन करना है आपको, दूर दूर बिठाना है, मास्क लगाना है अगर बाहर से कोई आया है तो, जी ये चीजें मेंटेन करके चलनी, ताकि बच्चे को कहीं से भी किसी भी तरीके से, अगर आप हॉस्पिटल गए हैं किसी भी कारण से, तो कोशिश करिए कि बच्चे को ना लेकर जाए जी, परिवार बिल्कुल नहीं रखें, घर पर ही रखें। चलिए मैम, जाते जाते बिल्कुल एक छोटा सा मैसेज आज मदर्स डे पर स्पेशली आप क्या देना चाहेंगे? महिलाओं पर वर्क प्रेशर बढ़ा है, हर किसी को महिलाओं का वर्क को शेयर करना है, घर पे शेयर योर बर्डन, परिवार वाले भी, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, अगर एक महिला का अपने ही घर में बर्डन शेयर हो सकता है या वर्क पे हो, सो शेयर योर बर्डन एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी शेयर की, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज नाइस, थैंक यू। तो आज हेल्थ गुरु में हमारे साथ NHMMI हॉस्पिटल से डॉक्टर वेरोनिका यूएल थे, गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत सारी जानकारी इन्होंने, अहम जानकारियां साझा की है, और जो सबसे अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि अपनी मम्मी का बर्डन जो है वो जरूर शेयर कीजिए, उनकी सेहत का ख्याल रखिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।